जयपुर से खबर, जहां सांगानेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने शनिवार को पुष्पेंद्र भारद्वाज के 51 प्रण सांगानेर बनेगा नंबर वन घोषणा पत्र लॉन्च किया। इस दौरान भारद्वाज ने अगले 5 सालों में किए जाने वाले कार्यों को लेकर अपना विजन भी बताया। भारद्वाज ने मीडिया को बताया कि 1 माह के दौरान जनसेवा का आपके द्वार यात्रा निकाली थी। इस दौरान उन्होंने 410 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 45,000 लोगों से मुलाकात की थी। उस दौरान जो लोगों की समस्याएं थी उनके आधार पर उन्होंने ये 51 प्रण का घोषणा पत्र बनाया है। उन्होंने बताया कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ ही महिला, युवा और वरिष्ठ नागरिकों के साथ मूलभूत सुविधाओं पर फोकस किया है। उन्होंने बताया कि चुनाव जीतने पर वो सांगानेर में सैटेलाइट अस्पताल का तय समय में निर्माण करवाएंगे, विधानसभा में नया जनाना अस्पताल और प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाएंगे, छात्रों के लिए वातानुकूलित पुस्तकालय का निर्माण करवाएंगे, तो वहीं प्रमुख बाजारों और पार्कों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी देंगे। खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय स्टेडियम का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके अलावा सभी कॉलोनियों में बीसलपुर पेयजल लाइन, सीवर लाइन, सीतापुरा से अजमेर गेट तक मेट्रो लाइन का विस्तार, सांगानेर और मानसरोवर में शहरी बस सेवा सहित कई विकास के कार्य करवाए जाएंगे। साल बाद जब नगर निगम के चुनाव आए, इस सांगानेर में जयपुर में सबसे ज्यादा पार्षद मैंने जीता है। सांगानेर में कांग्रेस के 15 पार्षद जीत करके आए, किसी भी विधानसभा में 15 पार्षद नहीं है और बीजेपी से 5,000 ज्यादा वोट लिए। जब जनता के बीच हम रहे, 24 घंटे जनता का काम किया, विकास के काम जनता को दिखे तो जनता ने हम पे विश्वास किया। उसके बाद 3 साल हमें और मिले और इन 3 सालों के अंदर हमने विकास की नई ऊंचाइयां छू ली। लेकिन 20 साल का खड्डा है जो 5 साल में नहीं भर सकता। अभी हमको 5-10 साल और चाहिए और जनता जिताएगी तो जनता के हितों पर की रक्षा और करेंगे। यदि आप इस बार का चुनाव जीतते हैं जनता के आशीर्वाद से।